ओम अज्ञातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम भागवतम से भक्ति के जो स्टेप्स हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं, वो हमने देखा। और ये पूरे स्टेजेस बताने के बाद सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप भगवान की भक्ति का ये साइंस बताने के बाद सुत गोस्वामी टेक्स्ट 21 में समझाते हैं कि भक्ति करने का रिजल्ट क्या है। ये भक्ति के एक्सपेरिमेंट में हम अपने आप को डालेंगे तो इसका रिजल्ट क्या है। विद्यते हृदय ग्रंथिस चिद्यन्ते सर्व संशय शीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। तो सुत गोस्वामी समझाते हैं कि ये जो हृदय में है, जो हमारा हृदय ग्रंथि, तो हृदय में जो अहंकार का जो घाट है, ग्रंथि है, वो टूट जाता है, राइट। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ये हमारी ये भौतिक दुनिया में रहने का सबसे मूल कारण क्या है, अहंकार, ईगो, राइट। कि ये भौतिक दुनिया में हम फंसे रहते हैं। तो आत्मा को, आत्मा जो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, और ये दुनिया जो भौतिक है, ये दोनों को जोड़ता कौन है, अहंकार, कनेक्शन। तो ये स्पीड को थोड़ा कम करो। तो ये आत्मा और ये भौतिक संसार को जोड़ता क्या है, अहंकार, राइट। वो कनेक्शन है, बंद कर दो प्रोजी उसको, हाँ बंद कर दो लिपू। तो दोनों का कनेक्शन क्या है, अहंकार। ये अहंकार के वजह से आत्मा जो है ये भौतिक दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर पाता है। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, राइट। तो व्यक्ति को अगर कंप्यूटर के साथ डील करना है, हार्डवेयर के साथ डील करना है, तो बीच में क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये अहंकार एक सॉफ्टवेयर की तरह है, राइट। तो ये जब अहंकार का गार्ड टूट जाता है, तब व्यक्ति एक्चुअली मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त बोलते हैं, लिबरेटेड सोल, राइट। जैसे शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि हमारे सुख दुख का कारण किसके वजह से है, अहंकार के वजह से है, राइट। जैसे एक आदमी नींद में रहता है और नींद में उसके पीछे एक शेर लगा है, तो वो शेर से भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, और असली में जब वो बिस्तर पे है, पसीना भी छूट रहा है उसका, तो अभी शेर उसके पीछे भाग रहा है और पसीना छूट रहा है। ये एक्सपीरियंस सही है कि गलत है? सही है। उसको एक्सपीरियंस अगर सही नहीं है, प्रामाणिक नहीं है एक्सपीरियंस, तो पसीना क्यों छूट रहा है उसको? पर ये एक्सपीरियंस किसके वजह से है, क्योंकि वो जो सपने में जो व्यक्ति है
उसके साथ वो कनेक्शन बना रहा है, उसको लग क्या लगा है, वो जो सपने का व्यक्ति है वो मैं हूँ, इसलिए वो दुख में है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए अहंकार के वजह से, अज्ञान के वजह से हमको लगता है कि ये सुख दुख का जो संसार है वो मुझे छू रहा है। एक्चुअली सुख दुख आत्मा को छूता नहीं है, आत्मा अलग ही एक स्तर पर रहता है, पर अहंकार के वजह से हमको सुख दुख का अनुभूति होता है। तो इसलिए मुक्ति का मतलब क्या है, ये अहंकार के बंधन को तोड़ना। तो अहंकार कैसे टूटेगा, अहंकार जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का कीर्तन सुनेंगे, तब धीरे धीरे जाके ये अहंकार को तोड़ेगा। तो ये भगवान का कथा कैसा, एक तलवार की तरह है जो अहंकार को काट सकता है। जैसे गीता में 15वें अध्याय में, गीता का 15वां अध्याय का शीर्षक है पुरुषोत्तम योग, राइट। तो वहाँ पे भगवान गीता में ये भौतिक संसार को एक वृक्ष की तरह की तुलना करते हैं, अश्वत्थ वृक्ष। तो भगवान समझाते हैं ये अश्वत्थ वृक्ष कैसे बढ़ता है, जैसे एक पेड़ उगता किसके ऊपर निर्भर है, पानी के ऊपर निर्भर रहता है। अगर पानी मिलेगा उसको तो वो बढ़ता रहेगा। तो हमारी इच्छाओं के वजह से ये भौतिक संसार का पेड़ हमारा बड़ा है। तो ये पेड़ को कट करना है तो क्या चाहिए है, डिटैचमेंट, ज्ञान चाहिए। इसलिए भगवान ये पूरे पेड़ को समझाते हैं, ये भौतिक दुनिया का, ये संसार का जो पेड़ है, संसार वृक्ष, और इसको बोलते हैं ये संसार वृक्ष को हमने बहुत बड़ा फैल के रखा है अश्वत्थ वृक्ष की तरह। अश्वत्थ वृक्ष कैसा होता है, कभी कभी जड़ कौन सा है समझ में नहीं आता, क्योंकि हर हर एक जगह उसका जड़ होता रहता है। जो टहनी है नीचे जाके ज़मीन को छूता है और उधर एक जड़ बन जाता है और एक जड़ बन जाता है, उसके बाद इतना कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ओरिजिनल जड़ कौन सा था समझ में नहीं आता, बनता जाता है इतना। तो हमारा संसार का वृक्ष इतना फैल गया है कि हमको समझ में नहीं आता कि कौन सा कर्म के वजह से ये मिल रहा है, ये कर्म के वजह से क्या मिलेगा, हमको पता ही नहीं है। तो इसको तोड़ने का एक ही उपाय है, जो ज्ञान है, ज्ञान रूपी तलवार से इसको काटना। इसे 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा। तो भगवान बोलते हैं ये डिटैचमेंट वैराग्य के तलवार से दृढ़ता से ये वृक्ष को कट करना चाहिए। तो वैसे यहाँ पे सुत गोस्वामी बोल रहे हैं जब हम ध्यान से भगवान की कथा सुनेंगे तो क्या होगा, विद्यते हृदय ग्रंथि, हमारे जो अहंकार का जो ग्रंथि है वो टूट जाएगा, और हमारे जितने भी संशय हैं चिद्यन्ते सर्व संशय, और हमारे सब संशय टूट जाएंगे। और दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे, तो धीरे धीरे आत्मा और परमात्मा का दर्शन हो जाएगा हमको। दिस एनलाइटनमेंट परफेक्टली इनेबल्स अ डिवोटी टू डिस्टिंग्विश स्पिरिट फ्रॉम मैटर, बिकॉज द नॉट ऑफ स्पिरिट एंड मैटर इज अनटाइड बाय द लॉट। दिस नॉट इज कॉल्ड अहंकार एंड इट फॉल्सली ओब्लाइजेस अ लिविंग बींग टू बिकम आइडेंटिफाइड विद मैटर। तो ये जो कनेक्शन है, इसके वजह से जो जीवात्मा जो एक्चुअली स्पिरिचुअल है वो अपने आप को शरीर मानता है, ये भौतिक दुनिया का व्यक्ति मानता है। एज सून एज दिस नॉट इज लूजेंड देयर फोर ऑल द क्लाउड्स और डाउट आर एट वंस क्लियर ऑफ। तो जितने भी संशय हैं, ये अहंकार का गार्ड छूट गया तो सब संशय क्लियर हो जाता है, एवरीथिंग बिकम्स वेरी क्लियर। वन सीज हिज मास्टर एंड फुल्ली एंगेजेस हिमसेल्फ इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड, मेकिंग अ फुल टर्मिनेशन ऑफ द चेन ऑफ फ्रूटिव एक्शन। इन मटीरियल एग्जिस्टेंस अ लिविंग बींग क्रिएट्स इज ओन चेन ऑफ फ्रूटिव वर्क एंड एन्जॉयज द गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ दोज एक्शंस लाइफ आफ्टर लाइफ। तो ये भौतिक दुनिया में है, हम क्या करते हैं, हमारा ये जो कर्म का संसार है, जो वृक्ष है, इसको बड़ा करते रहते हैं। और वृक्ष में क्या होता है, अलग अलग पेड़ फल लगते हैं, राइट। तो हम सब कभी सुख के फल के पीछे लगे हैं, पर कभी कभी सुख का फल मिलता है तो कभी कभी दुख का फल मिलता है। तो इतने सारे फल रहते हैं ये संसार के वृक्ष में, हमको क्या लगता है ये टहनी का फल बराबर नहीं है, तो वो टहनी पे जाऊंगा उधर फल अच्छा दिख रहा है। तो ये टहनी क्या है, अलग अलग शरीर है, अलग अलग लोक है। तो हमको लगता है कि ये शरीर है, ये शरीर में फल अच्छा नहीं है, तो ये शरीर से मैं दूसरे टहनी पर छलांग लगाऊंगा, राइट। तो दूसरा शरीर मिलेगा, या ये लोक अच्छा नहीं है, धरती का लोक, या इंडिया अच्छा नहीं है,
इंडिया से मैं थोड़ा अमेरिका जाके आता हूँ, राइट, तो अमेरिका से कोई सोचेगा हेवनली स्वर्ग लोग जाता हूँ, क्यों हमको लगता है कि ये टहनी का फल हम चखते हैं तो खट्टा लगता है, हमको लगता है वो टहनी का फल अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम ये एक अलग अलग टहनी में जाते रहते हैं, पर जब हमको समझ में आता है ज्ञान से, जब ज्ञान मिलता है हमको समझ में आता है कि ये पूरा वृक्ष गड़बड़ है, जब तक हम ये वृक्ष में रहेंगे तब तक हमको सुख मिलेगा ही नहीं, तब हम क्या करते हैं, ज्ञान का तलवार लेके ये वृक्ष को ही खत्म करते हैं। बट as soon as he engages himself in the loving service of the Lord, he at once becomes free from the chain of karma. His actions no longer create any reaction. तो जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो कर्म के बंधन हैं, हृदय ग्रंथि, वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं और हमारे जितने भी संशय हैं वो मिट जाता है। टेक्स्ट 22। अतो वै कवयो नित्यम् भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मा प्रसादनिम्। सर्टनली देयरफॉर सिंस टाइम इमेमोरियल ऑल ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैव बीन रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा द पर्सनेट ऑफ गॉडहेड विद ग्रेट डिलाइट बिकॉज सच डिवोशनल सर्विस इज एनलाइवनिंग टू दी सेल्फ। तो बोलते हैं इसीलिए बहुत सैकड़ों सालों से जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से आत्मा का संतुष्टि मिलता है, आत्मा प्रसाद निम, आत्मा संतुष्टता से भर जाता है। तो ये जो पूरा साइंस है भक्ति का भगवान भी देते हैं, और जितने सारे हमारे आचार्य हुए हैं अनगिनत सालों से, सत्ययुग से या उसके पहले से भी भक्ति करते आए हैं, राइट, तो वही मार्ग पे हम चलेंगे, हमको भी उनका ही रिजल्ट मिलेगा। परपोर्ट। द स्पेशलिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस अन टू द पर्सन ऑफ गॉड हेड लॉर्ड श्री कृष्णा स्पेसिफिकली मैंशनड हियर इन। लॉर्ड कृष्णा इज द स्वयं रूप पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ गॉडेड बिगिनिंग फ्रॉम श्री बलदेव संकर्षण वसुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न नारायण आर ऑल एक्सटेंडिंग टू द पुरुष अवतार्स एंड एक्सटेंडिंग टू द पुरुष अवतार्स गुण अवतार्स लीला अवतार्स युग अवतार्स एंड मेनी अदर थाउजेंड्स ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ द पर्सन ऑफ गॉडेड और लॉर्ड कृष्णास प्लेनरी पोर्शंस एंड इंटीग्रेटेड पार्ट्स। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि जितने भी भगवान के अवतार हैं, भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर आता है भगवान के अवतारों के बारे में। तो भगवान के गुण अवतार हैं, लीला अवतार हैं, पुरुष अवतार हैं, तो जितने भी अवतार हैं वो सबके स्रोत कौन है, कृष्ण है, राइट। तो कृष्ण का जो भक्ति है ये करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ जो लक्ष्य है हमको प्राप्त होगा। द लिविंग एंटिटीज आर सेपरेटेड पार्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड देयरफॉर लॉर्ड श्री कृष्णा इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ गॉड एंड इज द लास्ट वर्ड इन ट्रांसेंडेंस। Thus, he is more attractive to the higher transcendentalists who participate in the eternal pastimes of the Lord. इसलिए जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है आध्यात्मिक मार्ग में भी बहुत सारे अलग अलग योगी लगे हैं, अलग अलग भक्त लगे हैं, पर सब में से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो है कौन है, जो कृष्ण की पूजा करता है। In the forms of the person of Godhead other than Shri Krishna and Baladev, there is no facility for intimate personal contact as in the transcendental pastimes of the Lord in Rajabhumi. The transcendental pastimes of Lord Sri Krishna are not newly accepted as argued by some less intelligent men. His pastimes are all eternal and are manifested in due course only in a day of Brahmaji, as the sun rises on the eastern horizon at the end of every 24 hours. So Srila Prabhupada bol rahe hain yahan pe ki Krishna aur Balaram ka jo leela hai, bahut sare avatar hoke gaye hain, par Krishna ka avatar sabse shreshth kyun hai? क्योंकि कृष्ण के अवतार में भक्तों के साथ बहुत इंटीमेट कनेक्शन होता है, प्रेममय संबंध होता है, राइट। उतना पास आप बाकी अवतारों के पास नहीं जा सकते, जैसे रामलीला होता है, राइट, कोई राम भगवान राम के कंधों पे हाथ रख के बात नहीं कर सकता। सब बंदर बात करते हैं, राम जी से प्रेम करते हैं, पर दास के दासी रूप में, उससे ज़्यादा नहीं। पर कृष्ण लीला इतना इंटीमेट है कि वहाँ के जो व्रजवासी है कृष्ण को भगवान भी नहीं मानते, राइट, कृष्ण के साथ कुश्ती खेलते हैं और कृष्ण को हरा देते हैं, राइट।
तो इतना इंटीमेट रिलेशन होता है, तो इसलिए भगवान श्रेष्ठ है। तो बोला जाता है कि विष्णु और कृष्ण में फर्क क्या है, दोनों एक ही हैं, पर कृष्ण 4 गुणों में विष्णु से श्रेष्ठ है। तो बोला जाता है कि विष्णु के 60 गुण है, 60 क्वालिटीज, और कृष्ण के 64, 64 क्वालिटीज है, 64 गुण है, राइट, 64 क्वालिटीज। 4 गुण एक्स्ट्रा क्या है कृष्ण का? पहला है वेणु माधुर्य, कृष्ण के पास फ्लूट है, बांसुरी है, बाकी अवतारों के पास नहीं है, राइट। और भगवान बहुत सारा काम बांसुरी से ही करा के लेते हैं, और भगवान के बांसुरी के भी अलग अलग टाइप है, 3-4 वैरायटी है, जो कौन सा काम है उसके हिसाब से वो बांसुरी निकालते हैं, राइट। और बांसुरी बजा के सबको मोहित कर देते हैं, राइट। तो कृष्ण का लीला वेणु माधुर्य। तो दूसरा भगवान का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो विष्णु में भी नहीं है, वो क्या है? रूप माधुर्य। भगवान का जो रूप है, सुंदरता है, कृष्ण का सुंदरता नारायण से भी ज्यादा सुंदर है कृष्ण, राइट। तो इसलिए जब कृष्ण रासलीला करते हैं, कृष्ण के रूप में दुनिया इस धरती पे अवतार लेते हैं, लक्ष्मी जी भी नारायण को छोड़ के यहाँ पे आना चाहती है, वृंदावन में जाके तपस्या करती है बेलवन में, कि मुझे कृष्ण लीला एंट्री करना है। तो उनके ही पति है नारायण, पर कृष्ण इतने सुंदर हैं तो लक्ष्मी भी मोहित हो जाती है, राइट। तो एक बार रासलीला के समय गोपी, कृष्ण भगवान रासलीला छोड़ के चले गए, अदृश्य हो गए, तो गोपियाँ सब कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। तो कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कृष्ण नारायण के रूप में उधर खड़े हो गए, 4 भुज नारायण। तो गोपियाँ आके नारायण को प्रणाम करते हैं और नारायण को पूछते हैं, कृष्ण को देखा क्या? गोपियों का नारायण के साथ अट्रैक्शन ही नहीं था, उनको कृष्ण ही चाहिए थे। क्यों? हायर टेस्ट मिल गया उनको, कृष्ण का रूप इतना सुंदर है, हर कोई मोहित हो जाता है, राइट। तो रूप माधुर्य। तो तीसरा गुण है कृष्ण का लीला माधुर्य। कृष्ण के लीला सबसे सुंदर है, नारायण और भगवान राम के लीलाओं से भी ज्यादा सुंदर कृष्ण के लीला है। इतने सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला हैं कृष्ण के, राइट, स्पेशली बचपन की लीलाएं इतने सुंदर हैं। तो इसलिए कृष्ण का और एक गुण है लीला माधुर्य। और जो चौथा गुण है जो नारायण से भी श्रेष्ठ है, उसको बोलते हैं भक्त माधुर्य, राइट। तो भगवान को, कृष्ण भगवान का भक्तों के साथ जो आदान प्रदान है वो बाकी अवतारों में नहीं होता है, इतना इंटीमेट आदान प्रदान कहाँ नहीं होता है, इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए बहुत बरसों से जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो स्वयं कृष्ण की सेवा करते हैं और इससे बहुत आनंद लेते हैं, राइट। तो भक्ति का मार क्या है? सुसुकम कर्तुम अव्ययम, करते करते हमको बहुत आनंद आता है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का मूल स्वरूप है भगवान की भक्ति करना। तो इसके बाद सुत गोस्वामी टेक्स्ट 23 से भगवान के गुण अवतार के बारे में समझाते हैं, राइट। तो मैं ये श्लोक पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे मत दोहराइए। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर गुणास्तेर युक्ता परा पुरुष एक इहास्य दते स्थिति आदाये हरि विरिंचि हरेत संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलो सत्वतनो नृणाम स्यु। द ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, नेमली पैशन, गुडनेस एंड इग्नोरेंस। And just for the material world's creation, maintenance and destruction, he accepts the 3 qualitative forms of Brahma, Vishnu and Shiva. Of these 3, all human beings can derive great benefit from Vishnu, the form of the quality of goodness. तो सुत गोस्वामी समझाते हैं, जब शौनक आदि ऋषि ने अलग अलग प्रश्न पूछा था, उनमें से उनका एक प्रश्न, पहला दो प्रश्न था कि जितने भी शास्त्र है उसका सार क्या है और सबसे ऊंचा धर्म क्या है जो हर एक मनुष्य को पालन करना चाहिए। तो सुत गोस्वामी ने बताया कि भक्ति सबसे परो धर्म है, ये तो भक्ति दोक्षजे, और उसके बाद भक्ति का पूरा साइंस समझाया। तो उनका और एक प्रश्न था कि भगवान के अलग अलग जो अवतार हैं वो बताएं, राइट। तो उसमें से यहाँ पे वो गुण अवतार के बारे में बताते हैं। तो जैसा हमने देखा, भगवान ये भौतिक दुनिया चलाने के लिए 3 गुण बनाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण ये दुनिया को चलाता है। प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः,
हाँ, तो ये तीन गुण हैं ये दुनिया को चलाता है। ये तीन गुण कैसे हैं? जैसे एक पुतले को, पपेट, पपेट होता है ना, पपेट शो, पपेट को रस्सी से कंट्रोल करते हैं, राइट? तो ये तीन गुण हम सब पपेट की तरह हैं, पुतले की तरह हैं, और ये तीन गुण जो हैं हमको कंट्रोल करता रहता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, राइट? और ये तीन गुण के तीन प्रमुख देवता हैं जो इन गुण को संभालते हैं। सत्वगुण के देवता कौन है? विष्णु। रजोगुण के देवता कौन है? ब्रह्मा जी। और तमोगुण के देवता कौन है? शिव जी। तो कुछ भी क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? रजोगुण चाहिए, पैशन। कुछ भी चीज बनाने के लिए पैशन चाहिए। सो क्रिएशन मतलब पैशन। और ब्रह्मा जी क्योंकि सृष्टि का निर्माण करते हैं, क्रिएट करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता हैं, राइट? और शिव जी क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। शिव जी का रोल एंड में आता है एक्चुअली। जब भागवतम तीसरे स्कंद में आता है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं, तो पहले चतुष्कुमार आते हैं उनसे। फर्स्ट ब्रह्मा जी के पहले पुत्र कौन है? चतुष्कुमार। और ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं शादी कर लो, क्योंकि उनको प्रजा पढ़ाने का था। तो चतुष्कुमार बोलते हैं नहीं, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। तो ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे पहले बच्चे मेरा आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, छोटी उम्र में ही वो लोग अपना कलर दिखा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आता है, और उनके जो गुस्से से रुद्र आते हैं, शिव जी आते हैं। और ब्रह्मा जी शिव जी को बोलते हैं आप प्रजा पैदा करो, और शिव जी बहुत प्रजा पैदा करते हैं। पर शिव जी का प्रजा कैसा है? आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, बहुत सारे बढ़ जाते हैं, तो पूरे तरह कोरोना वायरस की तरह फैल जाते हैं सब जगह, और सब जगह तोड़फोड़ करने लगते हैं, हल्ला गुल्ला, पूरा दादागिरी। तो ब्रह्मा जी को समझ में आता है इनसे काम नहीं होगा, तो शिव जी के बुलाते हैं, जाके तपस्या करो, जब चाहिए तब बुलाऊंगा। तो शिव जी का रोल कब आता है? एंड में आता है, सृष्टि का संहार करने के लिए। वो जब तांडव नृत्य करते हैं ना, पूरा सृष्टि का संहार हो जाता है। तो इसलिए शिव जी कौन कौन है? तमोगुण के देवता हैं। इसलिए पूरे शिव जी के शरीर पर देखेंगे शमशान का राख रहता है, क्योंकि तमोगुण का देवता भी ऐसा दिखना चाहिए ना, वो मोड़ को सूट होना चाहिए, इसलिए राख रहता है। जो स्कल है, स्कल को क्या बोलते हैं? कोबड़ी, कोबड़ी रहता है। तो ये सब चीज़ में शिव जी को बहुत मज़ा आता है। और उस भी शिव जी के फॉलोअर्स कौन है? भूत, प्रेत, ये सब लोग शिव जी के पीछे लगते हैं, राइट? तो तमोगुण के देवता, डिस्ट्रक्शन। और विष्णु कौन है? द गॉड रिस्पॉन्सिबल फॉर गुडनेस। हाँ, सत्वगुण के प्रिडोमिनेंट डीटी, राइट? और सत्वगुण किसके लिए चाहिए? रजोगुण क्रिएशन के लिए चाहिए, तमोगुण डिस्ट्रक्शन के लिए। सत्वगुण किसके लिए चाहिए? मेंटेनेंस, कुछ भी चीज़ मेंटेन करने के लिए सत्वगुण लगता है। तो कौन सा ज़्यादा मुश्किल है, क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना, कि मेंटेन करना? मेंटेन करना सबसे बड़ा मुश्किल चीज़ होता है। क्रिएट थोड़ा मुश्किल है, पर हो जाता है क्रिएट करना। डिस्ट्रॉय करना सबसे आसान है, तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट? पर किसी चीज़ को मेंटेन करना रेगुलरली, वो सत्वगुण में होता है। वैसे ही हमने जब देखा ये तीन गुण हमारे अंदर भी रहते हैं, भक्ति में तुरंत हम आ सकते हैं, थोड़ा रजोगुण रहेगा भक्ति में आ जाएंगे, राइट? पर भक्ति टिक के रखने के लिए क्या चाहिए? सत्वगुण चाहिए। अगर सत्वगुण नहीं है तो सालों साल व्यक्ति टिक नहीं सकता। रजोगुण से एंट्री मार लेगा कैसे तो, पर वही रजोगुण कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, सत्वगुण में धीरे धीरे आना ही पड़ेगा। तो हमेशा ये डिस्कशन रहता है बहुत बरसों से, कि ये तीन में से विष्णु, ब्रह्मा, महेश श्रेष्ठ कौन है कि नहीं, सबसे बड़ा डिस्कशन रहता है। आप कुछ भी जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स दो, ये तीनों के लिए वोटिंग्स जाएगा। कोई बोलेगा ब्रह्मा श्रेष्ठ है, कोई बोलेगा विष्णु श्रेष्ठ है, कोई बोलेगा शिव जी श्रेष्ठ है। तो भागवतम में ये वर्णन आता है, ऑफ दिस थ्री ऑल ह्यूमन बीइंग्स कैन डिराइव अल्टीमेट बेनिफिट फ्रॉम विष्णु द फॉर्म ऑफ द क्वालिटी ऑफ गुडनेस। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, पर तीनों में से हर एक मनुष्य को विष्णु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु सत्वगुण के हैं,
देवता है, राइट। एक्चुअली विष्णु, कृष्ण विष्णु से भी श्रेष्ठ हैं, पर कहने का मतलब है कि विष्णु तत्व की पूजा होनी चाहिए। तो एक बार भृगु मुनि, सभी साधु संत मिलके उनका एक डिस्कशन चल रहा था, ये तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, भगवान कौन है। तो उन्होंने चुना कि एक टेस्ट करते हैं, लिटमस टेस्ट, टेस्ट इन तीनों को टेस्ट करेंगे और ये रिजल्ट में कौन पास हो जाएगा वो भगवान है। तो बोलते हैं कौन करेगा इन तीनों का टेस्टिंग, वो भृगु मुनि को बुलाते हैं, आप जाके टेस्टिंग करो। तो भृगु मुनि का प्लान समझा देते हैं। तो भृगु मुनि जाते हैं ब्रह्मा जी के पास पहले, तो ब्रह्मा जी भृगु के पिता हैं। तो जनरली जो लड़का है जब पिता के पास जाता है नम्रता से उनकी वंदना करता है, उनको दंडवत डालता है, पर भृगु मुनि इस बार पर्पसली ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनको दंडवत डालते ही नहीं। तो ब्रह्मा जी को अंदर से गुस्सा आने लगता है पर कुछ बोलते नहीं है। तो भृगु को समझ में आता है कि अंदर से थोड़ा गुस्सा आ रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो वहाँ से निकल जाते हैं वो, राइट। टेस्ट फेल हो गए ब्रह्मा जी, तो आगे शिव जी के पास जाते हैं। तो शिव जी भृगु के भाई है, राइट, क्योंकि दोनों ब्रह्मा जी से ही आते हैं, राइट। तो जनरली भाई भाई मिलते हैं तो एक दूसरे को मिलते हैं। तो शिव जी इतना खुश हो गए भृगु मुनि आ गए, भाग के आगे भृगु मुनि को गले लगाने के लिए। तो भृगु मुनि बोले हट, पीछे हट जा, कभी देखा क्या आईने में तुमको, पूरे राख से भरा है, मुझे हाथ मत लगा, ऐसा करके निकल गए। इमेजिन करो शिवजी के साथ कोई ऐसा बोल रहा है, शिवजी को ऐसा गुस्सा आया, ऐसा गुस्सा आया, वो आंख खोलने ही वाले थे, पार्वती ने कंट्रोल कर लिया शिवजी को, भाई है छोड़ दो उसको। भृगु मुनि उधर से भाग के गए, सीधा वैकुंठ गए। तो ब्रह्मा जी फेल, शिवजी फेल, सीधा वैकुंठ गए। और वैकुंठ में भगवान विष्णु जो है लेटे हुए थे उनके शैया पे, और लक्ष्मी जी भगवान की पैर मसाज कर रही थी। तो भृगु मुनि गए सीधा वैकुंठ में और सीधा बेडरूम के अंदर ही घुस गए और सीधा जाके भगवान के छाती को लात मारा। इमेजिन करो, ब्रह्मा जी को ऑफेंड किया मेंटली, मानसिक रूप से ऑफेंड किया उन्होंने, शिव जी को शब्दों से ऑफेंड किया, विष्णु को क्या किया, फिजिकली सीधा जाके लात मार दिया उनके छाती पे डायरेक्ट फोर्स के साथ। और विष्णु का क्या रिएक्शन था, विष्णु तुरंत उड़ गए और भृगु का पैर दबाने लगे और बोले कि मेरा छाती तो पत्थर की तरह है, आपका पैर कोमल की लोटस की तरह, कमल की तरह है, आपको पैर को शुअर दर्द हुआ होगा, थोड़ा मैं मसाज करता हूँ। तो भृगु समझ गए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ विष्णु है। पर उधर जब लक्ष्मी थी ना, लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आ गया कि मेरे भगवान के पैर पर आके, के छाती पर आके लात मारा। तो उस समय लक्ष्मी ने डिसाइड किया, अब से मैं किसी ब्राह्मण के घर पे रुकूंगी ही नहीं। इसलिए उसके बाद जनरली ब्राह्मण सब कंगाली रहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी को पसंद नहीं है, क्योंकि भृगु ने ऑफेंड किया ना। तो ये पूरे टेस्ट में रिजल्ट आ गया, रिजल्ट क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, विष्णु है। तो इसलिए यह भागवतम में वर्णन आता है, ये तीन गुना अवतार हैं, फिर भी इन तीनों में से हर बुद्धिमान व्यक्ति को विष्णु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रह्मा जी और विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी भी विष्णु से ही आते हैं और वो दोनों भी विष्णु का पूजा करते हैं। तो इसका हम परपट कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है क्या? शायद हाँ। शिव जी का जो फॉलोअर है जो धरती में भक्ति कर रहे हैं उनको भी क्या, शिव जी बोलो। हाँ, शिव जी का जो फॉलोअर है धरती में जो सेवा कर रहे हैं, जैसे ये मंडे वंडे वगैरह उपवास करते हैं, उनको तो फिर कृष्ण भक्ति जल्दी नहीं मिलेगा? धीरे धीरे मिलेगा, वो शिव जी के प्रामाणिकता से भक्ति करेंगे तो शिव जी देंगे। तो बोले कि शिव जी ना, शिव जी के दो रूप होते हैं। तो एक तो जो रूप जो लोग तुरंत आके भौतिक चीज़ मांगते हैं तो शिवजी वो तुरंत दे देते हैं, राइट। तो इसलिए शिवजी को आशुतोष बोला जाता है। लोग शिवजी की पूजा क्यों करते हैं, विष्णु की पूजा लोग ज़्यादा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि शिवजी के पास जाएंगे ना तुरंत मिल जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे असुर जितने भी हैं, रावण, हिरण्यकशिपु, ये सब शिवजी की पूजा करते हैं। क्यों, विष्णु की पूजा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप विष्णु की पूजा करेंगे, गारंटी ये नहीं है कि आपको जो चाहिए मिलेगा कि नहीं।
पर शिव जी की पूजा करोगे तो तुरंत मिल जाएगा, राइट? तो शिव जी एक्चुअली ऐसा लगता है कि शिव जी इन लोगों पे कृपा करते हैं, पर शिव जी इन लोगों पे कृपा नहीं करते, उनके भक्तों पे। शिव जी बोलते हैं लेके निकल जाओ, भाग जा, मुझे आके तंग मत कर। तो शिव जी का मूड है जो चाहिए लेके जा, तंग मत कर मुझे। पर अगर कोई प्रामाणिक है शिव जी का भक्त है और शिव जी को पूछता है कि मुझे आपको जो प्रिय है वो चाहिए, 100% शिव जी ऐसे भक्तों को विष्णु के पास लेके जाएंगे, डाइवर्ट करेंगे। क्योंकि शिव जी का जो सही धन क्या है, वो भगवान का नाम। शिव जी पेड़ के नीचे बैठे हैं, उनके पास कुछ धन भी नहीं है, घर भी नहीं है खुद का। शिव जी का सही धन क्या है? विष्णु का भक्ति। तो सही में शिव जी का कोई प्रामाणिक भक्त है, 100% धीरे धीरे वो कृष्ण की भक्ति की ओर आएगा। ठीक है।